कर्मचारियों से काम करवा के लेना या कर्मचारियों का काम करना, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ जब टीम में लोग काम करते हैं तो कुछ लोगों को कैसा निपटना या उनसे कैसे काम करवा के लेना हमारे सामने बहुत प्रश्न चिन्ह रहता है, तकलीफ रहती है। हम उनको दोष देते हैं, वो वैसा है, वो वैसा है, ऐसा हम करते रहते हैं। उसके वजह हमें देखना चाहिए कि मेरे में ऐसे क्या नहीं है, मेरे में क्या मिसिंग है कि जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि तीन तरह के एम्प्लॉय, एज फार एज मतलब उनसे काम करवा के लेना, उसके तीन तरह के एम्प्लॉय होते हैं या तीन तरह के जवाब आप एम्प्लॉय से मिलते हैं। नंबर एक जवाब जो मिलता है कर्मचारी उनसे, वो ये है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये काम मेरा है। तो ये मुझे मालूम नहीं था ये काम मेरा है, इसका मतलब क्या है कि उसको रोल क्लैरिटी नहीं है, उसके पास में टू डू लिस्ट नहीं है, उसके पास में उसके जॉब की जिम्मेदारी नहीं है, उसको ये मालूम नहीं कि उसको क्या काम करना पड़ता है। तो एज ए एम्प्लॉयर आपको क्या है कि भाई सभी एम्प्लॉय के पास में काम की लिस्ट होना, उसको मालूम होना कि भाई अपने कौन से काम करना है और वो जिम्मेदारी से काम करेगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि ये काम उसका है। नंबर एक। नंबर दो, हो सकता है बोलता है कि ये काम कैसे करना मुझे पता नहीं। इसका मतलब क्या है, ये काम कैसे करना मुझे पता नहीं ऐसा ये बोलता है, इसका मतलब उसके पास में कैपेसिटी नहीं है, उसके पास में कौशल्य नहीं है। और जब हमने उसको रिक्रूट किया, काम में लगाया, तो हमने देखा नहीं किसको ये काम आता कि नहीं आता। अच्छा समझो, अभी रिक्रूट किया है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, ये काम कैसे करना उसको सिखाना पड़ेगा। और जब आप उसको सिखाएंगे ये काम कैसे करना, तो वो टर्न अराउंड हो सकता है और वो काम करना चालू करता है। तीसरा जवाब जो मिलता है वो है कि ये काम मैं करना नहीं चाहता क्योंकि, और वो क्योंकि जवाब देता है। वो काम करता नहीं है और वो काम किया क्यों नहीं उसके लिए वो जवाब देता है, मतलब वो कारण देते रहता है, वो रीजनेबल है, रीजन देते रहता है और रीजन देके वो टाइम पास करेगा। तो ये एम्प्लॉय बड़ा हेडेक वाला काम है, इसका वो एटीट्यूड जो है ना वो अपने को हेडेक देने वाला एटीट्यूड है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कारण देते जाएगा और काम नहीं करेगा, खुद काम नहीं करेगा, लोगों को काम नहीं करने देगा, लोगों को लोग काम कर रहे तो उनको और कुछ बहका देगा, और मतलब वो वातावरण इन जनरल खराब करता है। ये एटीट्यूड ही खराब है, मुझे काम करना नहीं है क्योंकि, क्योंकि क्या है, रीजन तो बहुत है। हो सकता है रीजन कि नहीं मुझे पैसा कम मिलता है, फिर मुझे जान पे आ गया, या मुझे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या अच्छा ये समय नहीं है काम करने के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा जवाब दे रहा है वो और वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे एम्प्लॉय को हमको देखना पड़ेगा कि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, और ऐसा निगेटिव एटीट्यूड वाला या जो निगेटिवली मोटिवेटेड है या वो जो काम नहीं करना चाहता है उनको अपने जल्दी रवाना करना चाहिए। तो ये तीन कारण रहते हैं मेनली, मतलब ये तीन कारण या तीन जवाब लोग हमें देते हैं कि जिसके वजह से हमारे कंपनी में काम नहीं होता है, और फिर हम उनको काम से वो तरह से उनको हम फिट कर सकते काम में या काम से उनको निकाल सकते हैं, नहीं रखना है तो। देखो बार बार मैं जो बोलूँगा निकाल सकते हैं, एक्चुअली क्या है कि निकालना ये कोई आंसर नहीं है, क्योंकि एक को निकालेंगे दूसरा रखें तो वो भी कोई अच्छा मिलेगा ऐसा कोई नहीं। तो निकालना ये सबसे आखिरी की स्टेप हो गई। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बार 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 बार, ये पहली स्टेप है। और दूसरा उसका कमिटमेंट तैयार करना, काम के प्रति वचनबद्धता, काम के प्रति समर्पण की भावना उसकी तैयार करना है, वो काम अपना है। तो कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड, ये दोनों भी एटीट्यूड जो है वो लाने की जिम्मेदारी अपनी है एज एन एम्प्लॉयर। और वो हम करते तो लोग काम भी अच्छा करेंगे, उसमें भी सुधरते नहीं है तो उसको नमस्ते करना पड़ेगा, उसको शाल श्रीफल लेकर रवाना करना पड़ेगा। तो ये वीडियो सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, लोग जो जिनको तकलीफ होती है एम्प्लॉय के साथ में, डेफिनेटली उनको ये वीडियो काम में आएगा। हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है डॉक्टर केळकर मनोविकास, उसके ऊपर आप चैटिंग कर सकते हैं, वो फ्री डाउनलोड करो। और आपको सेक्स संबंधी, कोई व्यसन संबंधी, कोई मानसिक बीमारी संबंधी, हिप्नोटिज्म, कोई भी आपके सवाल होंगे नीचे नंबर दिए हैं उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे से उसके जवाब पा सकते हैं। वीडियो आप अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।